दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निदान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्ते पूर्णानन्ददया दृशाविशदया सरस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनोमोदाय निखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पत्तया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु। आराधिका साराधिका राधनोति जिसकी उपस्थिति से ही भगवान भगवान सिद्ध होते राधा सिद्ध होते। यदि राधा की उपस्थिति न हो हृदय में तो आदत्य बोलते हैं तो श्री जी बोलते हैं, प्यारे जी बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं, स्वामिनी जी बोलते हैं, नाम तो अनेक हैं पर हैं वो कीर्ति पुरुषोत्तम मंदिर एक तो भगवान की कीर्ति का दान हो सब जगह प्रकट होते हैं, अपनी कीर्ति के दान से प्रकट नहीं होते, भगवान की कीर्ति के दान से प्रकट होते और दूसरे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम माने धर्म के सूत्र धर्मानुष्ठान निष्ठ वृष के धर्म के वर्षति कामान इति वृषा धर्मा भगवान पुरुषोत्तम जी हैं धर्मानुष्ठान निष्ठ धर्म के सूत्र धर्म के आस्था और कीर्ति रानी हैं भगवान की कीर्ति संकीर्तन कीर्त संशब्द ने संगीत रसमय संगीत का ज्ञान रसीला हृदय और उसमें कीर्ति का ज्ञान और आचरणीय धर्म इससे हृदय में आराधना होती है। आराधना आचार च्युत होकर के आराधना नहीं होती, आचार निष्ठ होकर के आराधना होते। ये जो खाने में पीने में चलने में फिरने में बोलने में सजग की सपीति है, किसी के साथ खा लिया किसी के साथ एक बार लक्ष्मण शास्त्री जी का व्याख्यान हो रहा था तो बोले सजग सपीति प्रचारणाय कृतावतारा लोगों ने आजकल जो जन्म लिया है तो बस उनके साथ खा लो वो पी लो इसके लिए इन लोगों को जन्म हो। नमः कलये धर्मै कलये गृहीत विग्रहाय हम कलयुग को नमस्कार करते हैं जिसने धर्म को प्रलीन करने के लिए ये जन्म धारण किया। तो आराधना के लिए एक तो होना चाहिए स्वच्छंद आचरण से निवृत्ति, इससे प्रपंच की ओर से मुंह मुड़
और एक होना चाहिए कीर्ति का दान, इससे भगवान की ओर जो है कथा है। धर्मानुष्ठान से स्वच्छंद आचरण की निवृत्ति होती है और कीर्ति ज्ञान से भगवान के अभिमुख होते हैं, तब आराधना संपन्न होती है और आराधना के साथ भगवान का आराधना के गोद भगवान का दर्शन होता है। राधा दास से मुपास से यह प्रयत से गोविंद संज्ञा से आवन सोयम पूर्ण सुखाल से परिचयम राकांक्षति। राधा के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा। जहां आराधना है उस हृदय में भगवान है। वो जो नित्य निकुंज की बात है उसको अभी अलग रहने देते हैं और जो अवतार काल की बात है उसको भी अलग रहने देते हैं। हमारे हृदय में भगवान का दर्शन कब होगा? जब आराधना होगी, आराधिका होगी। और हमारे हृदय में आराधना कब होगी? जब पुरुषोत्तम मानू और कीर्ति रानी ये दोनों हमारे जीवन में आएंगे तब आराधना होगी और राधा प्रकट होगी। बिना राधा के भगवान का दर्शन नहीं है। राधा माधव, राधा से माधव, माधव से राधिका। लीला के समय में पहले पूर्व राग का, पूर्व राग माने मिलन के पहले, यहां एक तो मानते हैं नित्य कुंज में श्री राधा कृष्ण नित्य साथ ही रहते हैं, अनाद अनंत काल, ऐसी एक मान्यता। और एक में मानते हैं स्वकीया और एक में मानते हैं परके, ये दोनों पुरली बात है। माने नित्य निकुंज में तो स्वकीया परकीया का कोई प्रश्न ही नहीं है, न दोनों अलग अलग कभी पैदा हुए, न अलग अलग रहते हैं, न आविर्भाव है न तिरोभाव है, वो तो नित्य लीला है। तो उसमें स्वकीया परकीया का कोई प्रश्न नहीं है कि ब्याह हुआ है कि नहीं। ये जो अवतार लीला है, ब्रज लीला है, इसमें विवाह हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रश्न उत्तर। तो भगवान के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होता, भगवान के तो सब प्रक्रिया ही है। प्रक्रिया का वर्णन इसलिए करते हैं कि प्रक्रिया में जैसे त्याग की विशेषता होती है, स्मरण की विशेषता होती है। प्रक्रिया में एक तो उसको परिवार और धर्म की ओर से अपने मन को स्वजन और आर्य पथ की ओर से मन को हटाना पड़ता है। स्वजन आर्य पथंच एक विशेषता तो यह है। और दूसरे नित्य स्मृति होती है निरंतर। श्री विद्यानंद स्वामी ने उदाहरण दिया पर नारी यज्ञादि तदेव आस्वादयत्यंत परसंगर। और तीसरी बात उसमें रस विशेष का आस्वादन, ये तीन विशेषता होती है परक्रिया में। त्याग की विशेषता, निरंतर स्मरण की विशेषता और रस की विशेषता, इसलिए परक्रिया के रूप में वर्णन करते हैं। वस्तुतः कोई परक्रिया नहीं, गोपी नाम दत्पति नाम सर्वेशाम परमात्मा तो अपने हैं, भगवान तो अपने हैं। तो स्वकिया भी रसास्वादन के लिए, परकिया भी रसास्वादन के लिए। पूर्व राज का वर्णन करते हैं। एक दिन किशोरी जी घर से निकली, कोई एक सखा निकला, ओ कन्हैया ओ कन्हैया ओ कन्हैया कृष्ण कृष्ण,
बस कृष्ण नाम जो है कान में सुनाई पड़ा और कृष्ण नाम का ऐसा जादू कि परमानंद में मग्न हो गया। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन चेतो दर्पण मार्जन भवमहादावाग्नि निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यापति जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धन आनंद के समुद्र में हिलो रहे हैं। कृष्ण 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 नाम जय श्रवण सुनोरी माई भूली री भवन हाँ तो बावरी भाई कृष्ण 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 कहती हुई लौट के घर आ गई। दूसरे दिन फिर निकली जब बाहर तो पंछी ध्वनि सुनाई। जब कृष्ण नाम सुना था तब मन में आया कि यही हमारे ब्याह के योग्य है, हमारा वरणी सुन गई। दूसरे दिन जब निकले घर से बाहर तो पंछी ध्वनि सुनाई पड़ी, अरे ये क्या है, क्या पंछी ध्वनि है, वर्णन करते हैं सभी लोग इसका। रुंधन नंबु वृता बादलों को रोक चमत्कृति परम कुर्बन रुष तुम्बुरु तुम्बुरु गंधर्व वाह 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 चमत्कार से भर जाते हैं। ध्यानादंतरयन सनंदन मुखान सनक सनंदन सनातन का ध्यान छूट जाता है। विस्मापयन बेधसाम ब्रह्मा जी आश्चर्य चकित हो जाते हैं। औत्सुक्या वनिधिर वलिम चटुलयन भोगींद्र बाधूर नयन भिंदन नंद कटा व्यक्ति मगतो बखुरा पंछी ध्वनि ऐसी ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, ऐसी होती है हृदय रस से डूब जाता है। किशोरी जी के मन में आया कि बस ये जो बांसुरी वाला है वो हमारा प्यारा है, ये ध्यान करने की। अब ईश्वर तो वही होता है जो वर होता है, ईश्वर शब्द में वर है ना। जब तक बरस प्रत्यय जुड़े नहीं तब तक ईश्वर ईश्वर ही नहीं होता, वो तो वर हो तो ईश्वर है। बड़े न्याम गायत्री का जब करते हैं तो उसको कहते हैं बड़े न्याम, वरेणम का तो बर ही है, वरणीयाम बंसी वारा वरणीय है, मेरे तो बंसी वारो श्याम बिन बंसी बनमाल बिन मुरली बनमाल चंद्रिका और जाना बांसुरी वाले पर बढ़ हो गए। अब मन में आया अरे ये क्या हुआ, एक तो कृष्णा कृष्णा कृष्ण नाम सुनते ही मैं मुक्त हो गई, दूसरे बंसी ध्वनि सुन के मुक्त हो गई। कृष्ण वाला हमारा कृष्ण नाम वाला हमारा प्यारा है, बंसी वाला हमारा प्यारा है। एक श्रुतमेव दुम्पति मन कृष्णे नामाक्षरम प्रेमोन्माद परंपरा उपनयस्य अन्यस्य वंशी कला। एक और तो कृष्ण नाम ने मत दिया हृदय को, एक और वंशी ध्वनि ने मत दिया, तीसरी ओर एक सखी ने देखा कि प्रिया जी ने सुदास है तो ये चित्र ला के सामने रखे। शिशिरय त्रिशौ दृष्ट्वा दिव्यम किशोरमितीक्षिता सहेली हो, ये देखो दिव्य किशोर अपनी आंखें ठंडी कर लो इसको देख के, चित्र देख लो। सखी जन बजे विश्रम आत्म विलास पदांकिता शिव शिव कथम जानीमस्त्वाम वक्र दियो वयम हम तो भोली भाली और तुम इतने टेढ़े। पुरुषत्रयरतिरभून मन्नी मतिश्रेय मैं अकेली और तीन तीन पुरुष में कृष्ण नाम वाले में
बंसी वाले में और तस्वीर व चित्र वाले में तीन तीन पुरुषों में मेरी रति हो गई और मन ने मृति श्रेयसी, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। एक हृदय और तीन तीन पुरुषों के प्रति प्रीति, अब जीने की कोई आवश्यकता नहीं, विकल्प होके मूर्छित सी हो गई। ललिता सखी ने आके पूछा, सखी तुमको क्या हो गया, अपने हृदय की बात बता, इसको पूर्व राग हो। यम सखी सुदुस्ताध्या, यम सखी दुराराध्या, राधा हृदय वेदना कृता यत्र चिकित्सा भी उत्सायां पर्यवस्यति। सखी, राधा के हृदय की पीड़ा के बारे में मत पूछो, ये दुस्साध्य रोग है, यदि इसकी चिकित्सा भी की जाए तो बड़ी निंदा होगी गांव में। कृता यत्र चिकित्सा भी उत्साहम परिवर्त्यति। ललिता ने पूछा, क्या बात है, कैसे कृष्ण नाम सुना। मंगला सखी जने संगोपनांगी कृते, सखी अपने सखी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। सुनो, कृष्ण नाम सुन के प्यार हो गया, बंसी ध्वनि सुन के प्यार हो गया, चित्र देख के प्यार हो गया, तीन तीन पुरुष से प्यार हो गया, अब तो मैं मर गया। ललिता समझ गई, हो रही है तो तीन तीन नहीं है, एक ही है, वही है कृष्ण, वही है बंसी वाला, वही है चित्र वाला। अच्छा देखो, हम गुनाह किया तो ये कहीं समझाया, ये तीनों तीन नहीं है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, वही बांसुरी बजाते हैं, उन्हीं की का ये चित्रपट है, तीन नहीं है। सखी अपने हृदय को संभालो, आश्वसी ही आश्वसी ही आश्वस्त हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ, मैं अभी लेके आती हूँ। और जब बुलाने गई श्री राधा रानी के लिए श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर ने कह दिया कि अरे बाबा, इसको बाल ब्रह्मचारी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, हम तुम्हारी सखी के लिए कहीं जाने वाले हैं। राम 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 राम, दोनों कान पकड़ लिया हो, ऐसी अपवित्र बात सुन के अपने को पवित्र करने के लिए अपने कान का स्पर्श कर सकते, राम राम, ऐसी बात कभी मत। ललिताजी रोने रोती हुई है, ललिताजी को देख कर प्रिया जी समझ गई श्याम सुंदर नहीं आए, तो बोली, ललिता तू रोती क्यों, अकारुण्य कृष्णो यदि सखी तवागत कथमिदम् मुधा मारो वीर में गुरु परमानुत्तर कृपिन समालस्य स्कंधे विनिहित भुजावरणम् यथा वृंदारण्ये चिरमविचलातिष्ठतिम्। सखी, यदि श्री कृष्ण के हृदय में करुणा नहीं है, दया माया नहीं है, वो द्रवित नहीं होते हैं, तो इसमें तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं है, तुमको प्रेम से जुड़ाने गई थी। मुधा मारो वीर में कुरु परमावृतिम, व्यर्थ में मत रो, आगे का जो कर्तव्य है, उत्तर कृति है, अंत्येष्टि क्रिया है, उसका प्रबंध करो। हमारी अंत्येष्टि ऐसे करना, समालस्य स्कंधे विनिहित भुजा बल्लरिरियम, एक कमाल के कारे कारे सांवरे वृक्ष में हमारे सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार नहीं मिले, परंतु उन्हीं के सरीखा जो कारा कारा सांवरा समाल का वृक्ष है, उसकी डालियों पर हमारे हाथ लटका दे, उसके तने में हमारे शरीर को सता देना,
हम भुजपात से मरने के बाद भी हम भुजपात से उस कृष्ण कमाल को, श्याम कमाल को अपने भुजाओं में बांध लें और ऐसी व्यवस्था करना कि चिरकाल तक हमारा शरीर उसका आलिंगन करके रहे। यथाणी चिरम विचलातिष्ठति तन। इसी बीच में महाराज श्री कृष्ण जो है वो वेश बदल करके ये भी एक प्रेम की नीति है। तो असल में जैसे तीव्र जिज्ञासा के बिना तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, वैसे तीव्र पिपासा के बिना प्रियतम का दर्शन। बात तो एक ही है, मृदु मध्य अधिमात्र के भेद से जैसे समाधि की ओर जितना वैराग्य होगा मृदु मात्रा में, मध्य मात्रा में, अधिमात्रा में, उतने ही जैसे वैराग्य समृद्ध होता है और समाधि लगती है, जैसे तीव्र जिज्ञासा होने पर तत्व साक्षात्कार होता है, वैसे तीव्र प्यास होने पर प्रियतम का साक्षात्कार। ऐसी बढ़िया बढ़िया बात है। एक देखो प्रेम की बात, उसमें स्मरण करना नहीं पड़ता। ये लोग तो मूर्ति देख के स्मरण करने लगते हैं तभी भगवान भूल जाते हैं, माला फेर के करने लगते हैं तभी भूल जाते हैं, पढ़ पढ़ के करते हैं तभी भगवान की विस्मृति हो जाती है, सुनते रहते हैं कथा वार्ता में बैठ के भगवान की विस्मृति हो जाती है। प्रेम जहां होता है वहां विस्मृति। लादोहने वहनने मथनोपलेपो कंकनार्दितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्तयो श्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्थर्य उरुक्तम चित्तयाना। ब्रजस्त्रियों का जो चित्त है उनका रथ, वो चित्त के रथ पर चढ़ के चित्त याना, चित्त के रथ पर चढ़ करके वो उरुक्रम जो भगवान है जो अपने पैंतरे बदलते रहते हैं, भिन्न भिन्न रीति से पांव रख के रासक क्रीड़ा में नृत्य करते हैं, उनकी ओर का मनोरथ चलता है। चित्त जान माने मनोरथ, उनके मनोरथ की गति उन्हीं की ओर होती रहती है। जादोहने वहनने गाय वृद्धि है, लगता है आके बछड़े की तरह हमारी बगल में बैठ गए थे, दोनों घुटने धरती में और दोनों हाथ धरती में और मुंह कर दिया गाय के थन के पास, अरे अरे गोपी मेरे मुंह में दूध है, और गोपी उनके मुंह में जैसे गाय दे रही है। वो तो होते नहीं, तो मनोरथ होता है, दूध बाहर चला जाता है, मूसर से कूटने लगते हैं धान, मालूम पड़ता है आके मूसर ही पकड़ लिया, ये मूसल यज्ञ आयो, यज्ञ में मूसल का काम पड़ता है। तो अवहनन दूध, अवहनन क्रिया जो होती है वो मूसल नख विदलन से चावल नहीं निकाला जाता, अवहनन क्रिया से चावल निकाला जाता है तंदूर, यज्ञ आयु है मुसल, मुह सरती जो बार बार उछल में गिरे उसका नाम मुसल, मुह सरती अनिरुक्त में मुसल शब्द की विस्तृति, मुह सरती बारम्बार गिरे बार बार मुसल पकड़ लेते हैं, देखते हैं चावल कूटना बंद हो गया, धान कूटना बंद हो गया और वहां तो श्याम सुंदर है ही नहीं। ऐसा मनोरथ है गोपियों का, निरंतर उनका स्मरण लीपने में, स्मरण पालने में, बच्चा जगाते समय और स्मरण, बच्चे को चुप कराते समय श्री कृष्ण का स्मरण। गोपी हो गई परेशान, निकली घड़ा लेके जमुना जल भर ले। देखो वेद में लिखा है, वेद में नील लोहित के रूप में शिव जी का वर्णन, नील लोहित है शंकर जी,
नीले नीले, वो कृष्ण का ध्यान करते करते नीले हो गए, तो वो असल में कृष्ण ही अदृश्यरन मृदहार्य उतत्वा रूपा अदृश्यरन अदृश्यरन मृदहार्य। गोपों ने कृष्ण का दर्शन किया और उदहारी पानी पीने वाली परिहारिणों ने कृष्ण का दर्शन किया। ये तो वेद भगवान कहते हैं उतत्वा रूपा, ये तो रुद्राष्टा अध्याय में ही है। शुक्ल चतुर्वेदी गई पानी भरने के लिए, अदृश्यरन उदहार्य उदहारी पानी भरने के लिए गई, मालूम पड़ा कि जमुना जी में कृष्ण खड़े हैं, पकड़ लिया खड़ा। हम चाहते हैं पानी भरना और वो खड़ा पकड़ के खींचता है पानी में, अरे देखा तो कहीं कुछ नहीं, तो है नहीं वहां। ये क्या है, कहिए, हमारे मन का उपद्रव है, हमारा मन हमारे वश में नहीं है, इसको सब जगह कृष्ण ही कृष्ण सोचते हैं। तो तब आओ जरा आसन बांध के बैठ जाए, थोड़ा छोड़ दिया और आके आसन बांध के जमुना किनारे बैठी। सायंकाल संस्कृत में केवल सायं कहने से ही काम चलता है, हिंदी में तो सायंकाल के समय भी बोलते हैं। संस्कृत में न समय बोलने की जरूरत है न काल बोलने की जरूरत है, काल अर्थ में ही सायं शब्द प्रातः शब्द ये बनते हैं। सायं प्रातः का प्रयोग करने से बन जाता है। अब वो महाराज सायं गई, बहुत वक्त सायं सायं सन कह दिया, तो बैठ गई आसन बांध के, सिर्फ आसन लगाया, पीठ की रीढ़ सीधी की, समम काय शिरो ग्रीवम, आंख बंद करके बैठ गई और प्राणायाम। इसी बीच में भगवान का नाम लेते हुए नारद जी उतरे, योग वाले क्या कर रही है, कृष्ण का ध्यान कर रही है। बोले बाबा उसका नाम मत ले, नाम मत ले, दिन भर से घर का कोई काम नहीं हुआ, न घर दीपा गया, न दूध दुहा गया, न चावल और न धान कूटा गया, पानी भरने आई तो यहाँ भी परेशान करता है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है बाबा, दोष तो हमारे मन का है। इसलिए मैं पांडीय अष्टांग युग का अभ्यास करके उसको अपने मन से निकालना चाहता हूँ। हमारा मन हमारे वश में रहेगा तो उसको हम निकाल फेंकेंगे अपने मन से। तो देखो ये है प्रेम, कि जहां विस्मृति के लिए प्रयास करने पर भी विस्मृति नहीं होती है। आप केवल किसी अंक में देखें, जिससे प्रेम होता है उसकी याद को हटाना भी चाहे तब भी जादू तो वो जो सर पे चढ़ के होगा। विस्मृत करना चाहे कृष्ण को तब भी विस्मृति नहीं होती है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, बाबा जी ने प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन् मनो धित्तते वालेयं विषयेषु धित्तति ततः प्रत्याहन्ति मनः यस्य स्फूर्ति लवाय संत हृदये योगी कण्ठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रान्तिमाकांक्षति। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहते हैं, और ये गांव की गवार गोपी बावरी इसलिए प्रत्याहार कर रही है, धारणा ध्यान कर रही है कि कृष्ण हमारे हृदय से निकल। ये प्रेम की विशेषता है कि उसमें स्मरण के लिए माला की जरूरत नहीं, मूर्ति की जरूरत नहीं, पूजा की जरूरत नहीं, पाठ की जरूरत नहीं, वो तो स्मृति स्वभाव से ही, स्मृति की एक धारा हृदय में बहने लगती है। एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं होती। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान के विस्मरण में परम व्याकुलता होती है। एक दूसरी बात देखो कि जहां प्रेम होता है वहां अद्भुत त्याग है। जिससे प्रेम होता है उसके लिए क्या नहीं छोड़ सकते। भगवान ने तो कहा ये धारा घर पुत्राप्त प्राणान लोकमिमम परम हित्वा माम शरणं जाता। जो भगवान से प्रेम करता है वो लोक परलोक
सब कुछ, स्त्री, दार, अगार, पुत्र, गुरुजन, प्राण, पित्त, लोक, परलोक, सब का त्याग करके भगवान से प्रेम करता है। भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो दूसरी जगह किसी रस का, सुख का अनुभव ही नहीं होता है। आशा बंधा समुद्र कंठा नाम गाने सुना, आशा बन जाती है, मिलेंगे मिलेंगे राम मिलेंगे, सबरी देखे ले तो बनवा आज घर राम आएंगे, मिलेंगे 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 जरूर मिलेंगे। आशा बन जाती जल्दी मिले जल्दी मिले, समुद्र कंठा होते हैं, नाम जी पर नाचने लगता, बड़ा भारी त्याग, सारी सृष्टि के त्याग का सामर्थ्य वो प्रेम, प्रेम में त्याग है। प्रेम में बिना ये स्मृति होती है, प्रेम में सबसे बड़ा त्याग आता है, लोक परलोक का त्याग। एक है कि जैसे तत्व ज्ञान है, अहम ज्ञानी इत्याकारक अभिमान, तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान मान जह एक नहीं, ज्ञान वो है जहां एक ही प्रकार का, एक प्रकार का भी अभिमान नहीं है। अहम ब्राह्मण, अहम सन्यासी, अहम विद्वान, अहम विद्वान का, अहम समाधिमान, ज्ञान वहां होता है जहाँ आदि व्याधि समाधि सब उपाधि में गई और उपाधि हो गई बाधित, आदि व्याधि समाधि सब उपाधिनिष्ठ है और उपाधि है बाधित। वो अभिमान तो तभी होगा जब उपाधिमान होंगे, उपाधिमान हुए बिना, अन्य से तादाद में हुए बिना अभिमान किसका। तो तत्व ज्ञान में अभिज्ञातम विजानता, विज्ञातम अभिजानता, जो दावा करते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने नहीं जाना क्योंकि जानने का स्थान हो गया। प्रेम की भी यही दशा, प्रेम में अभिमान नहीं, प्रेम में अभिमान नहीं होता है, ये प्रेम की विशेषता। एक दिन ललिता सखी ने श्री राधा रानी से पूछा, सखी तुम्हारे हृदय में तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है। राधा रानी बोली, न क्षोधिया न सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे, सखी मुकुंद के प्रति मेरे हृदय में प्रेम की थोड़ी सी गंध भी नहीं है। न क्षोधिया न सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे, क्रंदंती माम विज सुभगता क्या बनाय प्रति। जब मैं करुण क्रंदन करने लगती हूँ तो अपने सौभाग्य का विज्ञापन करने के लिए, कापन करने के लिए, कि लोग ऐसा समझे कि ये राम कृष्ण की बड़ी प्रेमिका है, नहीं तो हेलदवंशी वलय मनालोक्यतम वक्रबिंबम वस्ता लंबा यद प्राण पीटा विधर्मी। देखो उनके दर्शन के बिना, जिनके मुखारविंद पर बांसुरी खेलती रहती है, उनके मुखारविंद का दर्शन किए बिना मैं इन प्राण रूपी कीड़ों को भोजन देती हूँ, पालन पोषण करती हूँ, ये कोई प्रेम की पहचान है। तो जैसे ज्ञान में अभिमान नहीं होता है और चित्त वस्तु में अभिमान नहीं है, वो तो अन्य के तादात्म्य से ही चित्त वस्तु में अभिमान की प्रतीति होती है, वैसे आनंद वस्तु में भी वो तो ये कही है, जो चित्त है सो आनंद है, जो आनंद है सो चित्त है। आनंद में भी अहम प्रेमी, अहम प्रेमिका इत्याकारक, अहम प्रेयसी इत्याकारक अभिमान नहीं होता है। एक दूसरी बात देखो, जैसे तत्व ज्ञान होने पर बोलने की जरूरत है, पांडित्यम निर्वित्य बाल्य नतिष्ठाते, बाल्यम निर्वित्य मौने नतिष्ठाते, मां द्वयोरतिकयोरपि दीपयेव प्रतिवेशम भासयति
निश्चलये चपाति द्वारादयं वदनतस्तु बहिर्गतश्चेत् निर्याति शान्तिमथवा तनुतानुपैति। प्रेम अद्वितीय, प्रेम दोनों रसिकों के हृदय में, प्रेयसी प्रियतम के हृदय में एक। हृदय मंदिर में जैसे दीपक जलता हो ऐसे वो दीपक प्रेम दीप प्रज्वलित रहता है, हृदय मंदिर को प्रकाशित करता है, निश्चल रहता है। लेकिन द्वारादयं वदनतस्तु बहिर्गतश्चेत्, और यदि प्रस्ताव आ गया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हृदय मंदिर से ये दीपक यदि मुंह के दरवाजे से बाहर निकला तो निर्याति शांतिम, या तो बुझ जाएगा या तो डमाडोल हो जाएगा। प्रेम प्रेम मौन में निवास करता है, जैसे ब्रह्म ज्ञानी मौन में निवास करता है। और देखो, जैसे ज्ञान में काल का अस्तित्व नहीं है, ऐसे प्रेम में भी काल का अस्तित्व है। गोविंद लीलामृत में कथा आई, ललिता सखी के संग श्री राधा रानी प्रियतम से मिलने के लिए निकुंज में गए। रात बीत गई सारी, जिस समय पश्चिम आकाश लाल लाल हुआ था, उसमें रक्तिमा छाई थी, उस समय ललिता जी के संग वहां गई। रात बीत गई, पूर्वाकाश में लालिमा खा गई, पक्षी बोलने लगे। ललिता सखी ने कहा कि प्रिया जी प्रातःकाल हो गया। वो बोली कि तू झूठ बोलती है, अभी तो हमको घर से लेके यहाँ आई है, अभी वो प्राची दिशा का जो मुख लाल लाल हो गया था, वो अभी पूर्व दिशा की ही जो पश्चिम दिशा की जो लाली है, पश्चिम दिशा की जो लाली है वो तो अभी मिटी नहीं, अभी तो एक क्षण हुआ है आए, और तब तक तू कहती है कि प्रातःकाल हो गया, मेरी वंचना करती है। सारी रात बीत गई महाराज, प्रेम में ऐसी समयता कि काल का पता ही नहीं चला, समय का पता नहीं चलता। अरे हम तो कब से आए हैं, कब से बैठे हैं, कब से मिले हैं, देखो काल का पता नहीं चलता। और मिलन में भी अंक स्थित दईते किमपि प्रलापम आमोहने दी, प्रिया प्रीतम मिले हैं एक साथ, गोद में है प्रिया जी के प्रियतम, लेकिन उनको वैचित्य हो गया, प्रेम वैचित्य हो गया, प्रेम वैचित्य वो हो गया, क्या प्रियतम चले गए। अब कह रहे आमोहन आमोहन आमोहन, संयोग में ही वियोग की प्रतीति, वियोग में भी संयोग की प्रतीति होती है, संयोग में भी वियोग की प्रति होती है। अरे उद्धव कहीं श्याम गए थोड़े ही हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, वियोग में भी श्याम, ये महाराज रहे हो ना ही, और वियोग में भी श्याम का अनुभव है, और संयोग में भी वियोग का अनुभव है, संयोग में वियोग अंक स्थिति भी, इसको प्रेम वैचित्य बोलते हैं। वेदांतियों का पक्की क्रांति, जैसे नित्य प्राप्त परमात्मा की भ्रांति बस अप्राप्त मालूम पड़ता है, आत्मत्वेन साक्षात अपरोक्ष विद्यमान आत्मा भी परोक्षतया ज्ञात होता है, ऐसी महाराज श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार पूछा, महाराज ये आत्मा का परोक्ष ज्ञान कैसे होता है, आत्मा तो अपना आप अपरोक्ष ही है। तो बोले कि देखो, परोक्ष ज्ञान भी दूसरे का होता है और अपरोक्ष ज्ञान भी दूसरे का ही होता है, जो स्वयं है उसमें अपरोक्ष अपरोक्ष के भेद की कल्पना की अपेक्षा ही क्या, वो तो स्वयं है। मैंने पूछा महाराज जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है कि हृदय मुक्ति, बोले दोनों की कल्पना ही होंगे अपने स्वरूप में है, दोनों ऐसा है अपना। तो ये तो लीला है, लीला है, संयोग की लीला, वियोग की लीला, स्मरण की लीला, त्याग की लीला, राधा माधव तो सर्वथा एक है। भाई
वृंदावन की बात हुई, थोड़ी वृंदावन में आसक्ति सदगुणाख्या प्रीति सद वसति स्थले इत्यादय भावासुर जात भावान पुरे है। भगवान के निवास स्थान में प्रीति, उनके गुणाख्यान में आसक्ति, ये भावानुसुर का उदय होने पर होता है। आसृष्टे रक्षयिष्णु हृदय विदुमणि द्रावणम वक्रिमाणम पूर्णत्वे पूर्णत्वे प्रदुवहन्तम् निज रुचि घटया सात्वतम वंशयंतम निज रस घटया सात्वतम वंशयंतम तन्वानम संप्रदोषे नव नव रुचिता संपदम मादनत्वात् अद्वैतम नैनौमि राधा तनुज विजयिनो अद्भुतम आवचंद्रम। इस प्रेम का कभी नाश ये कभी घटता नहीं, निरंतर बढ़ता है। ऐसा है चंद्रमा जो कभी घटता नहीं बढ़ता है, और हृदय के चंद्रकांत मणि को द्रुत कर देता है, और पूर्ण होने पर भी वक्र रहता है। मान है, प्रणय है, स्नेह है, मान है, और अपनी रस घटा से निर्भय बना देता है। तन्मानम संप्रदोषे जहां दोष होता है वहां भी ये गुण देखता है। नव नव रुचिता संपदम, इसमें नई नई रुचि की जो संपत्ति है, नित्य नव नवायमान मादनत्वात् अद्वैतम नौमी राधा तनुज विजयिनो अद्भुतम भावचंद्रम।